दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम पाकिस्तान ने की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत। ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर पाकिस्तान टीम का आया तूफान। अफ्रीका को हराकर सीधा सेमीफाइनल में पहुंची टीम पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर और कैसा रहा आज का मुकाबला, जानेंगे इस आज की वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच आज सिडनी के मैदान पर हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया। पाकिस्तान के लिए ये मुकाबला करो या मरो के लिए था। इस मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ये फैसला पाकिस्तान के हक में नहीं गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम को जल्दी ही झटके लगे। पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद हैरिस ने आज ताबड़तोड़ अंदाज में मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और उन्होंने 11 गेंदों पर 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से 28 रन बना डाले। के बाद कप्तान बाबर आजम 6 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं शान मसूद भी महज 2 ही रन बना सके। पाकिस्तान की टीम एक वक्त फंसती हुई नजर आई। पाकिस्तान ने 43 रनों तक अपने 4 विकेट गुवा दिए थे। लेकिन इसके बाद इफ्तिकार अहमद और मोहम्मद नवाज ने पाकिस्तान की पारी को संभाला। दोनों के बीच 52 रनों की साझेदारी हुई। हालांकि मोहम्मद नवाज 28 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद इफ्तिकार अहमद ने शादाब खान के साथ साझेदारी की, टीम को एक अच्छी जगह पर पहुंचा दिया। इफ्तिकार अहमद ने 35 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 51 रन बनाए। इसके अलावा शादाब खान ने भी 22 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से तेज तरीन 52 रनों की पारी खेल डाली। पाकिस्तान को 20 ओवरों में 185 रनों तक पहुँचा दिया। इस मुकाबले को जीतने के लिए साउथ अफ्रीका के सामने 186 का टारगेट था। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। टीम के खाते में एक ही रन जुड़ा था कि क्विंटन डिकॉक शाहीन शाह अफरीदी का शिकार हुए। के बाद राइली रूसो भी शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर 7 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद कप्तान टेम्पा बुमा एडम मार्करम ने पारी को संभाला। हालांकि टेम्पा बुमा और एडम मार्करम की जोड़ी काफी खतरनाक दिख रही थी। शादाब खान ने इन दोनों को एक ही ओवर में चलता कर पाकिस्तान को मैच की दहलीज पर पहुंचा दिया। इसके बाद मैदान पर हेनरी क्लासन स्टीमन स्टब मैदान पर उतरे। को बता दें कि ये दोनों आज फिर लय में नजर आ रहे थे। साउथ अफ्रीका की टीम 9 ओवर में 69 रनों पे पहुंची ही थी। बारिश ने मुकाबले में खलल डाल दी। मुकाबला फिर दोबारा शुरू हुआ लेकिन इसके बाद ओवर और रन में कटौती करी गई। अब साउथ अफ्रीका को इस मुकाबले को जीतने के लिए 14 ओवर में 142 रनों का लक्ष्य था, यानी उसे यहाँ से 30 गेंदों पर 73 रन बनाने थे। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की कसी हुई गेंदबाजी के आगे साउथ अफ्रीका की टीम इसे बनाने में नाकाम रह गई। पाकिस्तान को इस मुकाबले में 33 रनों से जीत मिली। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।